हमारी भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और उसके हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिस तरह का विश्वास उन्होंने इस सरकार में रहते हुए लोगों के अंदर पैदा किया है, ना केवल भारतवर्ष के अंदर बल्कि बाहर के देशों के अंदर भी जो विश्वास उनके अंदर व्यक्त हुआ है, उसकी एक बानगी जो पिछले वाला अविश्वास प्रस्ताव आया था 2018 में, जिसका जवाब देते हुए हमारे नेताजी ने ये कहा था कि मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो ना केवल बहुत अच्छे विकास पुरुष हैं, ना केवल इस देश को आगे ले जाने वाले हैं, ना केवल उनकी नीति पर कोई किसी तरह का शक है, ना केवल उनकी नीयत पर किसी तरह का कोई शक है, बल्कि वो ऐसे अंतर्यामी भी हैं कि उन्होंने 2018 में ये बात कह दी थी कि ये सब इकट्ठे होकर 2023 के अंदर भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। और आज हम वही देख रहे हैं कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव ये लोग लेकर आ रहे हैं, भानुमति का कुंडबा जो ये बना हुआ है, तो मैं इसके विरोध में आज आप लोगों के समक्ष खड़ी हुई हूँ। अध्यक्ष महोदय, अविश्वास प्रस्ताव ये सदन में विपक्ष ने लाया है, सुबह से सभी डिबेट सुन रहे हैं और इस अविश्वास प्रस्ताव का मैं एज ए निर्दलीय इंडिपेंडेंट और जनता के हित में काम करने वाली अपने क्षेत्र में, अपने महाराष्ट्र के हित में, मैं इस विपक्ष का नो कॉन्फिडेंट मोशन जो लाया इसका विरोध करती हूँ। और हमारे आज सुबह से जब से डिबेट शुरू हुई है 12 बजे से, जब से अगर हमने देखा तो विपक्ष अगर बात कर रही है, ये नो कॉन्फिडेंट मोशन लाया ही इसके लिए गया था कि महिलाओं पे होते हुए अत्याचार जो हुए हैं, मणिपुर में जो अत्याचार हुआ है उसके विरोध में, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए करके ये अविश्वास प्रस्ताव ये सदन में लाया गया है। हम महिलाएँ ये पार्लियामेंट में बैठी हुई, हम महिला माँ फिर सांसद हैं। जब ये सदन में हम बैठकर देख रहे हैं, सुबह से देख रही हूँ, विपक्ष ने जितने ने भी इस पर कहा है सिर्फ मोदी जी इज़ दी ओनली टारगेट, और महिलाओं पे कहीं पर भी सहानुभूति और महिलाओं के फेवर में एक भी शब्द ये विपक्ष का मुझे सुनाई नहीं दिया ये सदन में, पार्लियामेंट में। जब भी बोल रहे हैं मणिपुर में जो अत्याचार हमारी महिलाओं पर हुआ है वो अतिशय सबसे खराब जो ये हुआ है मणिपुर में, उसका सभी ने निषेध करना चाहिए। हम महिलाएं, पुरुष, हमारे भाई, ये पार्लियामेंट में जितने लोग रिप्रेजेंट करते हैं सभी ने इसका निषेध किया है। पर विपक्ष को मेरा एक प्रश्न है, 4 तारीख को हुई घटना को जुलाई के पार्लियामेंट के एक दिन पहले वो पार्लियामेंट के पर्पजली वो वीडियो को वायरल करते हैं और हमें जब पत्रकार आके वो वीडियो दिखाते हैं, मैडम यू नो अबाउट दिस वीडियो, व्हाट इज हैपनिंग इन मणिपुर, प्लीज गिव अस सम बाइट और सम व्यू ऑफ योर्स। आई सेड विच वीडियो, व्हाट हैपेंड इन मणिपुर, इट हैपेंड ओनली इन फोर्थ 4 मई को हुई घटना को, जुलाई में जब पार्लियामेंट होता है, एक दिन पहले एक पत्रकार आके वो न्यूज वीडियो हम लोगों को दिखाता है। मैं मांग करती हूँ हमारी सरकार से कि जिसने भी ये पर्पजली ये वीडियोज वायरल किए और समाज में महिलाओं को इस सभागृह में लाकर उनकी बदनामी करने का जो काम विपक्ष ने किया है, इसके ऊपर चौकसी होकर इस पे जांच होनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। सर, जय हिंद, जय बांग्ला। माय रिस्पेक्ट टू ऑल द आदिवासी पीपल टुडे इन द ऑल इंडिया आदिवासी दिवस एंड माय रिस्पेक्ट फॉर द मार्टर्स इन द क्विट इंडिया मूवमेंट टुडे। सर, आभा आभा खुरम जारी नंगाई दी रायबू मणिपुर, नंगाई दी रायबू भारत, हाउ आर यू मणिपुर, हाउ आर यू भारत, नॉट वेल, नॉट वेल एट ऑल, देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर। द फर्स्ट स्पीकर एंड ऑल द अदर स्पीकर्स ऑफ द ट्रेजरी बेंचेस हैव प्रूवन दैट दे आर नॉट बदर्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन मणिपुर। They have not spoken about Manipur. They were here just अपने सत्ता को ढिंढोरा पीट रहे थे,
लेकिन मणिपुर में जो हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, एक कोने उसको बारे में कुछ भी नहीं हमें बताया। ऑनरेबल चेयरमैन सर, आई स्टैंड हियर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस विद ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स माय चेयरपर्सन एंड लीडर श्रीमती ममता बनर्जी हु सेंट द फर्स्ट टीम। आई वॉज इंक्लूडेड इन द टीम एंड वी विजिटेड मणिपुर ऑन द 19th ऑफ जुलाई। I'd like to start with a quote of Baba Saheb Ambedkar. Let us not forget that this independence has thrown us on great responsibilities. By independence, we have lost the excuse of blaming the British for anything going wrong. In this case, I think it is often the Congress. If hereafter things go wrong, we will have nobody to blame except ourselves. Sir, I rise to support this no confidence motion brought by India and by Gaurav Gogoi on behalf of the India team and my party, the DMK. So the first time in India, the judiciary had to intervene to protect a state. Isn't this shameful? Sir, the government proudly says in Manipur, it is a double engine government because it is a BJP government in the union and it's a BJP government in the state. But this double engine has become a double-edged weapon against the people of Manipur. A double disaster, a double breakdown. The PM, after returning from his trips abroad, chooses to speak to the media in a very rare occurrence outside the parliament. But he refuses to cross the threshold and come to parliament and speak with the fellow parliamentarians. A senior leader, Jaswant Sinha, day before yesterday in his article had mentioned, democracy is not defined by the beauty of its parliament building. It is dignified by the quality of its debates and the voice with which it speaks in unison on national issues. Today, India team is speaking in unison on national issues and you refuse and you fail to come here and respond to it. You are not India, for India is not corrupt. India believes in merit and not dynasty. And today of all the days, people like you need to remember what was told to the British, quit India. Corruption, quit India. Dynasty, quit India. Merit now finds place in India. Adhyaksh Mahoday, sabse pehle, aapki peeth par, aapke aasan par, जिस प्रकार का आक्रामक बर्ताव आज देखा गया उसका मैं खंडन करती हूं। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूं, इन्हीं के अलायंस के एक सदस्य बैठे हैं जिन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने
कश्मीर में रेफरेंडम की बात की, अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो इस सदन में और इस देश को बताएं कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन करप्शन इन इंडिया। पुनः कहती हूं अध्यक्ष महोदय, शायद अपने ही कोलाहल में सुन ना पाए हो, मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, खंडित न था न है न कभी होगा। इनके यूपीए के अलायंस के एक नेता ने तमिलनाडु में एक वक्तव्य दिया है, पुनः कहती हूं कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। मैं आज गांधी खानदान से कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या भारत केवल उत्तर भारत है? अगर दम है तो अपने पार्टनर को मुंह तोड़ जवाब दे अगर हिंदुस्तान में आस्था रखते हैं। कांग्रेस के एक नेता ने अध्यक्ष महोदय कोर्ट में जाकर वक्तव्य दे दिया कि कश्मीर में रेफरेंडम की तलाशना चाहिए संभावना। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या उनके आदेश अनुसार ये वक्तव्य कि कश्मीर का खंडन हो, भारत विभाजित हो, क्या ये कांग्रेस के नेतृत्व के आदेश के अनुसार है? अध्यक्ष महोदय पुनः कहती हूँ हमारे राष्ट्र के संसदीय इतिहास में आज तक भारत माँ की हत्या की बात करने वाले कभी भी बैठकर मेज नहीं थपथपाते। कांग्रेसियों ने बैठकर माँ की हत्या के लिए मेज थपथपाई है। अध्यक्ष सभापति महोदय, क्योंकि ये सरकार के मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, एक मैं देश के सामने स्पष्ट करना चाहती हूँ। मनरेगा के संबंधित यहाँ क्वेश्चन उठा है, देश के लिए एक रूल है, कोई भी राज्य हो किसी राज्य के साथ हम पक्षपात नहीं करते हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से देश की जनता को अवगत कराना चाहती हूँ, पश्चिम बंगाल में मनरेगा में भ्रष्टाचार हुआ, मेरे मंत्रालय नहीं इनके अधिकारियों ने स्वीकार किया। हमने कहा उनके ऊपर जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मनरेगा इसलिए रोका गया है, मनरेगा को भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बनने देंगे। प्रधानमंत्री आवास को बंगला आवास करके दिया गया, हम उसमें भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। हम देश के कोने में कहीं भी मनरेगा में लूट होगी हम रोक लगाएंगे, पारदर्शिता से काम करें, हम देने के लिए तैयार हैं। आई थिंक द की वर्ड हियर इज कॉन्फिडेंस। क्या इस देश में सबका साथ और सबका विश्वास इनके साथ है कि नहीं? किसके साथ है? इनके 70 साल से तो हम पेट भर रहे हैं, उनके ऊपर आप काले कानून लेके आए, अपने मंत्री की अपनी आलाय की बात नहीं पूछी, सुना नहीं, और जब बोलते थे मत लाओ किसानों, नहीं सुना, और आखिर में मानना पड़ा, किसानों ने मजबूर किया कि गलत बिल थे आपको वापस लेना पड़ा। और फिर ये डबल इनकम को क्या करना, डबल डिस्ट्रेस, आज बता दीजिए कौन से राज्य में डबल हो गया इनकम, पेट्रोल डीजल फर्टिलाइजर हर चीज में महंगाई की मार सब झेल रहे। सर, जब सरकार बिना मिशन की बनती है तो क्या हालत होती है, ये हमने 2004 से 2014 के बीच देखा है, और जब कोई सरकार विजन और मिशन दोनों के साथ बनती है तो हम विश्व की 5वीं सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ये विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बनते हैं। आदिवासियों को संविधान ने संरक्षण दिया, लेकिन आज ये हमारे ऑपोजिशन के लोग जो बार बार आदिवासी समाज के बारे में बोल रहे हैं, इन्होंने पिछले 60 वर्षों में इन आदिवासी समाज के भाइयों और बहनों के लिए कुछ नहीं किया, ये मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी। सर, इन्होंने तो आदिवासी लोगों के लिए एक स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना भी नहीं की। हमारे जो इंस्पिरेशन है, हमारे पार्टी के इंस्पिरेशन हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्होंने देश में पहली बार जनजाति मंत्रालय की स्थापना इस देश में की, और तब से सही मायने में आदिवासी समाज को न्याय देने का काम हमारे पार्टी की ओर से हो रहा है।
यही कहना चाहूंगी कि आज कांग्रेस और उनके बाकी साथियों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन इस सरकार पे लाया है, लेकिन एक आदिवासी भाग की प्रतिनिधि होने के नाते मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि इन्हें भले कॉन्फिडेंस ना हो सरकार पे, लेकिन हमारे आदिवासी समाज को मोदी जी और उनकी सरकार पे पूरा कॉन्फिडेंस है और मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करती हूँ। हमारे विपक्षी खेमे, हमारे इंडिया अलायंस के साथियों द्वारा इस लोकसभा में पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में अपने विचार रखने का अवसर दिया। सभापति महोदया, ये अविश्वास प्रस्ताव कितना आधारहीन और निरर्थक है, ये केवल इस तरफ के नहीं बल्कि उस तरफ के लोग भी जानते हैं और देश की जनता भी जानती है, और स्वयं हमारे विपक्ष के साथियों की, हमारे इंडिया अलायंस के साथियों की स्वीकारोक्ति है कि सरकार के पास पर्याप्त संख्या है, समर्थन है और इस प्रस्ताव से सरकार की स्थिरता पर कोई असर पड़ने नहीं जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस देश की जनता को ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों की जनता को आज के इस उभरते हुए नए भारत की शक्ति पर यकीन है। आज भारत दुनिया के तमाम देशों के लिए एक उदाहरण बन चुका है और यही कारण है कि आज दुनिया के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 14 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से भारत के प्रधानमंत्री को अलंकृत किया है। भारत, करोड़ों भारतवासियों को सरकार पर विश्वास है, दुनिया के देशों में भारत उदाहरण बन रहा है, लेकिन हमारे विपक्ष के साथी इस लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं इसलिए क्योंकि लोकतंत्र में आपकी कोई आस्था है ही नहीं और ये पूरा देश जानता है। सदन में आपका आचरण, आप जिस तरीके से संसदीय परंपराओं का अपमान करते हैं, शोरगुल करते हैं, बहिष्कार करते हैं, सदन को चलने नहीं देते हैं, हर चर्चा से आप भागते हैं कोई ना कोई नया बहाना बनाकर, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। जब जब आप हमारी सरकार के ऊपर, हमारे एनडीए गठबंधन के ऊपर और मोदी जी की लीडरशिप के ऊपर अविश्वास व्यक्त करते हैं, तब तब देश की जनता आने वाले चुनाव में अपने और भी बड़े विश्वास से आपके अविश्वास को खारिज करने का काम करती है। अध्यक्ष महोदया, 2014 से बड़ा जनादेश हमें 2019 में प्राप्त हुआ, यह मैं अहंकारवश नहीं कह रही हूं, यह सत्य है, और 2019 से बड़ा जनादेश 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त होगा। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, विजु जनता दल पक्षर मते आज अनास्था प्रस्ताव पर वक्तव्य रखार सुजोग आपणको अशेष अशेष धन्यवाद देउछि। सर, सर्वप्रथमे मु कहि रखे ए प्रस्ताव को मु ए अनास्था प्रस्ताव को मु ग्रहण करि पारु नाही एवं विरोध करुछि। सर, ओडिशा माननीय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पटनायक अक्लांत परिश्रम तथा ओडिशावासी स्नेह श्रद्धा एवं विश्वास जोगु, सर ओडिशा माननीय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पटनायक अक्लांत परिश्रम तथा ओडिशावासी स्नेह श्रद्धा एवं विश्वास जोगु आज ओडिशा अन्य बड़ बड़ राज्य को पछरे पकाई एक विकासशील राज्यर मान्यता पाई एवं विश्व स्तर में निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि कर पारिछि। I stand here today on behalf of my party, the All India Trinamool Congress, to speak in favor of a motion of no confidence brought against an elected government that enjoys a brute majority in what used to be the world's largest democracy. The American novelist Gertrude Stein famously said that if there is no question, there is then no answer. We are here to ask the questions in our Tum Abhi Chup Raho Republic, where the Honorable Prime Minister tells the governor, Chup Raho. Where we as elected MPs in this house are routinely told, chup raho. This motion is to break this omerta, this code of silence on Manipur, the most pressing issue of the day, where we are all supposed to raho chup.
The Manipur issue is mired in silence and in the government's whataboutery and false equivalences. I will point these out as best as I can. The Treasury bunches have made vitriolic comments on why only Manipur? What about the instances of rape and murder in Rajasthan, in Chhattisgarh, in West Bengal? We in turn have felt compelled to ask, what about the violence in Haryana? जो विपक्ष एक दूसरे को विश्वास नहीं करते हैं, जो विपक्ष खुद के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हैं, हमारे पार्टी के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन उन्होंने नहीं लेके आए हैं, वो विपक्ष 140 करोड़ जनता के ऊपर आज उंगली उठा रहे हैं। बंगाल के सरकार के ऊपर 10 करोड़ जनता का जो विश्वास नहीं है, वो बंगाल का सरकार अभी 140 करोड़ जनता के ऊपर अविश्वास का उंगली उठाते हैं। सर, आज पूरे दुनिया में आर्थिक विषयों में बहुत सारे संकट के समय है। द ग्लोबल इकोनॉमी इज स्ट्रगलिंग विद ट्विन चैलेंजेस ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड ऑल्सो स्लो ग्रोथ। मैं उदाहरण के लिए विदेश में जो चल रहा है उसको पहले उठाते हूँ, आपके समक्ष रख रही हूँ। ये नहीं है कि आई एम टॉकिंग ओनली विदेशी विषय, I will come to talking about domestic also. Global economy, sir, 2022 mein sirf 3% ka growth dekhe. It just grow over about 3% or little more. And the World Bank is now forecasting that 2023, it will decline to 2.1%. Global growth will decline to 2.1%. And in this, I just want to take the example of some developed countries whose situation it is important for us to understand. UK is facing one of the very challenging times, and Bank of England has raised interest rates 14 consecutive times, hiked it, and today it is at the highest level of 15 years. Eurozone is also struggling. The European Central Bank has also seen very high inflation. The ECB, the European Central Bank, has raised interest rates 9 consecutive times, and they're all hikes, and today it is at a 23-year high. If that is the case with European Central Bank, in Germany too, which is the largest economy in Europe, there too the challenges are very, very big, and the IMF expects the German economy to contract at a projected 0.3% in 2023. Itna niche tak Germany ke economy bhi giravat mein aa rahi hai. Sir, China, yes, it's a very big economy. दुनिया में US, चाइना, ये सब बड़ा इकोनॉमी से, मैं सीधा उनसे हमारे इकोनॉमी को तुलना नहीं कर रही, मगर चैलेंजेस जो है दुनिया भर के, और उस चैलेंजेस के वजह से इतना मजबूत जो माना जाता था मजबूत इकोनॉमी चाइना जैसे, आज एकदम कंज्यूमर डिमांड स्टैग्नेशन के सिचुएशन में है और वेजेस स्टैग्नेशन में है। आज भारत के मीडिया भी ये लिख रहा है कि शायद चाइना एकदम डिफ्लेशन में चली जा रही है। सो चाइना का सिचुएशन, यूरो जोन का सिचुएशन, यूके का सिचुएशन, और आप सब मीडिया में दो दिन पहले देखे होंगे कि यूएस का डाउनग्रेड हुआ और उसके कारण उनके स्टॉक मार्केट में उथल पुथल होने लगा। इसीलिए मैं इन सब परिप्रेक्ष्य में ऑनरेबल स्पीकर सर आपसे विज्ञप्ति करती हूं कि भारत के इकोनॉमी को एक बार हम इस नजरिया से देखते हुए भारत के इकोनॉमी का हालात को समझना चाहिए। 2013 में जो मॉर्गन स्टैनली ने दुनिया में 5 सबसे नाजुक इकोनॉमी के लिस्ट करते हुए भारत का भी उसमें जोड़ा। 2013 was declared, India was declared as a fragile economy. उसी मॉर्गन स्टैनली आज
भारत को अपग्रेड करते हैं, भारत को हायर रेटिंग देते हैं। सिर्फ 9 साल में इतना एकदम खराब और फ्रजाइल परिस्थिति में जो इकोनॉमी गिरावट हमारी हुई, उससे निकलते हुए हमारे सरकार की पॉलिसी के वजह से आर्थिक सुधार हुआ, कोविड के बावजूद भी सुधार हुआ और आज हम देश सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है।